टीम सोल की तरफ से देखने को मिल रही है, बट एक्चुअली ये यहां भी नहीं रुक रहे, ये आगे बढ़ते चले जा रहे, फाइट्स लेते चले जा रहे। टीम 7C बैकफुट पर देखने को मिलती भी, बट एक्चुअली ये अग्रेशन अक्षत के ऊपर भारी पड़ रहा है। अगर यहां सही मौके पर बैकअप नहीं आता है, कवर देखने को नहीं मिलता है, तो हो सकता है अक्षत का एलिमिनेशन। बट दुल्हन ऑलरेडी एक ग्रेनेड के साथ तैयार नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, एक स्प्रे लेंगे, पीछे फॉल बैक करने का डिसीजन भारी पड़ेगा यहां अलादीन के ऊपर। और अब बचे हैं स्प्रे गॉड, एक सोलो सर्वाइविंग खिलाड़ी, यहां से एक 1v4 का सिचुएशन जल्दी ही उन्हें फेस करना है। बट उससे पहले एक ग्रेनेड करेंगे, जो प्रिसाइज ग्रेनेड दुल्हन को टेक डाउन करने में कामयाब होगा, और उससे पहले वो फिनिश करना चाहेंगे उस खिलाड़ी को। बट गोब्लिन की एंट्री होती हुई, जो कि इस 1v1 की फाइट में लूट हुआ नजर आएगा। गोब्लिन डाउन देखने को मिल रहा है, ओमेगा वहीं अपने आप को हील करते हुए, बैंडेजेस मात्र इनके पास नजर आ रहे हैं, और ये बैंडेजेस अब इन्हें कितने समय तक मदद कर पाएंगे सर्वाइवल में, इस फाइट में, वो अभी के लिए देखना है। Well, अक्षत को भी यहाँ पे शॉट्स लिए जा रहे हैं स्प्रे गॉड द्वारा, ही इज टेकिंग द चार्ज। ओमेगा इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग फॉर टीम सोल, जिम्मेदारी इस अर्ली एग्रेशन को सक्सेसफुली कंक्लूड करने की ओमेगा के ऊपर। रिवाइव होल्ड कर लिया अक्षत के ऊपर, इस समय स्प्रे गॉड कंटेनर के काफी नजदीक, कंप्लीट नहीं कर पाएगा उस रिवाइव को। ओमेगा गोज फॉर द टर्न, एक एम हाफ एचपी ऑलरेडी ओमेगा, 1 HP